खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से सामने आ रही है, जहां दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सभी नदियां और नाले उफान पर हैं। इसके बाद आसपास की नदियों के किनारे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी क्रम में दुर्ग SDRF टीम को कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि ग्राम अंडा स्थित ईट भट्टों के पास बाढ़ के पानी में बच्चे और बुजुर्ग समेत 19 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए SDRF की टीम तत्काल रवाना हुई। काफी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकालकर उनके परिजनों और परिचितों को सौंप दिया गया। कंट्रोल रूम दुर्ग से मिली जानकारी के अनुसार मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद SDRF के जवानों ने 19 लोगों को बचाया, जिन्हें बचाकर स्थानीय लोगों को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न होती जा रही है। और दुर्ग की अगर बात करें तो कई जिलों में वहां पर पानी आसपास देखने को मिल रहा है, और इसी दौरान दुर्ग की अगर बात करें तो वहां पर करीब 19 ऐसे लोग थे जो जलभराव की स्थिति में फंस गए थे, जिसके बाद SDRF को मौके की सूचना दी गई और तत्काल वहां सूचना पाते ही SDRF की टीम पहुंची और वे बचाव कार्य में जुट गई। साथ ही आपको बता दें कि इसके सफल परिणाम देखने को मिले और वहां से 19 लोगों को बचाया गया और उसके साथ ही उन सभी लोगों को उनके परिजनों और परिचितों के पास भेज दिया गया।